हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? आपका स्वागत है विनीता किचन मास्टर में। आज हम बनाएंगे पोहे और आलू की सब्जी। देखिए, हमने पेड़ों पर से अपने पेड़ पर से मैंने पोहे ताजे ताजे तोड़ रखी है। ये देखिए कितने ताज़ा ताज़ा पेड़ में से मैंने पत्तों को तोड़ी है, बिल्कुल साफ है, देख सकते हैं, बिल्कुल साफ और ताज़ा है। मैं आज इसकी सब्जी बनाऊंगी टेस्टफुल वाली। और तो मैंने पेड़ लगाई थी पोहे की, तो इसी से मैंने आज सब्जी पोहे की पत्ता की सब्जी बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने तैयार कर रखी है। आलू मैंने छील के और धो के काट लिया है। और देखिए, ये मैंने लहसुन की कलियाँ ली है, जो लहसुन और ये सरसों लहसुन मैंने उसे मैं जार में पीस लूँगी। और ये काली मिर्च है, जो मैं काली मिर्च भी जार में पीसूँगी। और ये मैंने दो टमाटर काटी है। ये सभी को मैं सब्जी में डाल के बनाऊँगी, बहुत ही टेस्टफुल बनती है। ये पोहे हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है, सभी के लिए बहुत ही हेल्दी है, ये हर बीमारियों में काम करता है, तो इसीलिए हमें खाना चाहिए पोहे की सब्जी। तो देखिए, मैंने पैन चढ़ा लिया। अब मैं हमारा ये पैन गर्म हो गया है। अब मैं ये सरसों का तेल डालूंगी, क्योंकि सरसों के जो तेल है, मैं आशीर्वाद तेल यूज करती हूँ, उसका बहुत ही अच्छा होता है। अभी हमारा तेल गर्म हो रहा है, जब तक मैं तड़के के तैयारी करती हूँ। तो देखिए, मैंने तड़का के लिए दो लाल मिर्च ली है और ये मैंने सरसों ली है, क्योंकि जो ये सरसों है बहुत ही स्वादिष्ट आती है इसके तड़के में। तो हमारा तेल गर्म हो गया है, मैं सरसों और जो मिर्चा है, हम हरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें, मैंने हरी मिर्च नहीं डाली, तो मैं लाल मिर्च डाली हूँ। तो ये हमारा तड़का जल चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, पहले मैं आलू को पहले अच्छी तरह से भून लूंगी, बिल्कुल सुनहरा ना हो जब तक मैं इसमें पत्ती नहीं डालूंगी पोहे की। मैं सुनहरा होने तक इसे मैं भूनूंगी। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा। और बहुत ही अच्छी बनाऊंगी मैं। आलू को बिल्कुल ही सुनहरा भून ली है। अब मैं इसमें टमाटर को ऐड कर दूंगी। मैं स्वाद अनुसार मैं नमक को ऐड कर दे रही हूँ। इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। तो देखिए, मैंने पेस्ट बना लिया, सरसों और लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया, तो मैं इसे भी ऐड कर दूंगी इसमें। ये मसाला मैं डालते सही से बहुत ही टेस्टफुल महकाने लगती है खुशबू। अब मैं थोड़ा इसमें मैं डालूंगी धनिया पाउडर, डेढ़ चम्मच मैं डालूंगी धनिया पाउडर। और मुझे अगर ये ताज़ा खाना है तो मैं थोड़ी लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा करके डालूंगी, अगर जो हमें तीता नहीं खाना है तो हम कम डाल सकते हैं। हमें चटपटा खाना है इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाली है, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। इस तरह आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है पोहे की सब्जी, मछली के स्वाद आती है इसमें।
जब तक ये मसाला नहीं भुनेगा मैं फूल के पत्ता भी नहीं डालूंगी, तो मसालों को मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। और मैं इसे ढक दे रही हूँ। ये जो पोई का पत्ता है मैं इसे काटूंगी नहीं, इसको इसी तरह मैं ऐड कर दूंगी सब्जियों में, क्योंकि ये खुद गल जाएगा। अब चाहे तो आपको चाहे तो आप यहाँ से आधा करके खुद से ये तोड़ सकते हैं, ऐसे करके तोड़ सकते हैं। तो मैं इसी तरह खड़े ही डालूंगी, तोड़ूंगी नहीं, क्योंकि इसे भी अच्छी लगती है। तो देखिए ये हमारा मसाला बिल्कुल ही तेल छोड़ दिया है और भून चुका है। तो मैं इसमें अब पोहे के पत्तों को मैं ऐड कर ले रही हूँ। तो देखिए हमारा ये मैं सब्जी डालते डालते ये गलने लगा है पत्तों। अब मैं इसे ढक दूंगी। देखिए इसी तरह ये सब्जी का कलर बहुत ही अच्छी आ चुकी है। आप देखे होंगे कि पूरा जो लहसुन का पेस्ट बनाई थी उसी में मसाला में हल्का पानी गया था, बाकी मैं बिल्कुल ही पानी को ऐड नहीं की हूँ। और मैंने मीडियम फ्लेम पे रखी है। हमें इसे और भी ये बनेगा, इसे और भी 5 से 10 मिनट तक और भी हम इसे भूनेंगे ढक ढक के। मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे रख के मैं दोबारा से ढक दे रही हूँ। आप चाहे तो इसमें हल्का पानी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पत्ता पूरा था इसलिए मैंने नहीं डाली। आपके पास अगर ये कम पत्ता हो तो आप मसाले के साथ ही पानी डाल सकते हैं। मैंने पानी नहीं डाली है, मेरा सब्जी बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। देखिए ये आलू भी बिल्कुल, आपको पता है मैंने भून के लाल कर दी थी, तब आलू ये बिल्कुल ही पक चुका है। और ये हमारा जो पोहे है बिल्कुल ये सीख चुका है। देखिए तो हमारा ये सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो देखिए कितना टेस्टिंग सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है।